गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैचस्टिक्स, सम आर शोन हेयर। आपकी बुक में कुछ फिगर्स दे रखे हैं मैचस्टिक लगा करके। कैन यू मेक अ ट्राइंगल विथ थ्री मैचस्टिक्स, फोर मैचस्टिक्स, फाइव मैचस्टिक्स, सिक्स मैचस्टिक्स। आपसे पूछा गया है कि आपको एक ट्राइंगल आपको बनाना है इन मैचस्टिक्स की हेल्प से, और आपको बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं इसके लिए एक आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। आई हैव सिक्स मैचस्टिक्स, दीज मैचस्टिक्स आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट है थ्री मैचस्टिक्स। थ्री मैचस्टिक्स को आप अगर ऐसे लगाएंगे, ये तीनों ही मैचस्टिक्स आपकी आइडेंटिकल है। एक तो आप देख रहे हैं ध्यान से कि ये जो मैचस्टिक्स है, इससे क्या हो रहा है बच्चों, इससे एक ट्राइंगल पॉसिबल हो रहा है। देखिए ध्यान से, बन रहा है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, थ्री मैचस्टिक्स से आप ट्राइंगल जो है वो आराम से बना सकते हैं। और इसके पीछे एक लॉजिक है। मान लीजिए ये एक आपका मैचस्टिक है, इसकी यूनिट मान लीजिए वन है। इसकी यूनिट क्या है, वन है। तो आपको मैंने बताया था कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर आप वन और वन को जोड़ेंगे, टू आएगा ग्रेटर देन दिस साइड। ऐसे ही आप इधर करेंगे तो भी वो जो आपका स्टेटमेंट है वो फॉलो हो रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये पॉसिबल है, आपको मैंने दिखा भी दिया कैसे है। अब आपके सामने मैं लेता हूं फोर मैचस्टिक्स। मैंने ऐसे लगा दिया, इधर देखिए, मैंने ऐसे लगाया और एक इधर लगाया और एक मैंने इधर लगाया। आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। आपने देखा कि मैंने ये एक मैजेस्टिक ये है, एक मैजेस्टिक ये है, इधर एक लगाया, इधर एक लगाया, ये जो है आपस में मिल नहीं रहे। नो, नॉट पॉसिबल। इसका रीजन समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने ये एक इधर लगाया, एक मैजेस्टिक इधर लगाया, ये आपका वन यूनिट है, ये वन यूनिट है, इधर वन है, इधर वन है। यानी कि अगर वन टू वन से हम लोग चेक करके देखते हैं कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है, तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सही आ रहा है। फिर इनको ऐड किया, टू प्लस वन ग्रेटर देन वन, सही है। लेकिन वन प्लस वन नॉट ग्रेटर देन वन, वन प्लस वन इक्वल टू टू आ रहा है। और जबकि थ्योरम के जो हमारी थ्योरम है वो क्या बोलती है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यहां पर इक्वल आ रहा है, इसीलिए ये नॉट पॉसिबल है। फाइव मैजिस्टिक से कैसे बनेगा बच्चों, मान लीजिए ऐसे ले लिया, टू और टू इधर हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे पास कर लो, टू और इधर भी टू हो गया और इधर वन हो गया। यानी कि जो हमारा ट्राइंगल बनेगा उसकी यूनिट्स क्या होंगी, ट्राइंगल की यूनिट्स क्या होंगी, टू टू वन। चेक करके देखते हैं, टू प्लस टू ग्रेटर देन वन, सही आ रहा है। टू प्लस वन ग्रेटर देन टू, सही आ रहा है। वन प्लस, एक बार इनका इनका बनाया पेयर, एक बार इनका इनका बनाया पेयर, एक बार इसका इसका बनाया पेयर, टू प्लस वन ग्रेटर देन टू, सही आ रहा है। सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये यस हुआ। अब सिक्स मैचस्टिक्स देखते हैं। मैंने इसको ऐसे लगाया टू, फिर ऐसे लगाया टू, और फिर ऐसे लगाया टू, यानी कि टू 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 टू। अब चेक करके देखते हैं, टू प्लस टू ग्रेटर देन टू, टू प्लस टू ग्रेटर देन टू, टू प्लस टू ग्रेटर देन टू, यानी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यानी कि ये भी आपका पॉसिबल होगा। इसमें केवल फोर मैचस्टिक्स वाला जो होगा वो आपका नॉट पॉसिबल है, और बाकी तीनों के तीनों पॉसिबल हैं। अगर थ्री मैचस्टिक का यूज करते हैं तो भी पॉसिबल है, फाइव का करते हैं तो भी पॉसिबल है, सिक्स का करते हैं तो भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन टू डिफरेंट वेज। टू डिफरेंट वेज का मतलब है
कि ट्राइंगल को आप अकॉर्डिंग टू साइड व्यू बताइए और अकॉर्डिंग टू एंगल व्यू बताइए. अब सी दिस फिगर 8 5 5. तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर दो साइड्स इक्वल हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे. अब ये देखने में आपको लग रहा होगा एक्यूट एंगल, ये सब क्या है, ये आपका ट्राइंगल बाउंड है, तो ये कैसा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. एक बार मैं साइड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, एक बार मैं एंगल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं सेम ट्राइंगल को. अब यहां आ जाइए, सी दिस फिगर 8 15 17, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, बट अगर ये ऑल साइड्स डिफरेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसको बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल. लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक एंगल राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और स्केलन ट्राइंगल है. अब यहां आ जाइए, सी दिस फिगर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो ये तो पक्का हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. अब बच्चों ये देखने में एक एंगल क्या दिख रहा है, ऑब्ट्यूज दिख रहा है. तो मैंने आपको बताया था जो मेरे पिछले लेक्चर थे, मैंने कहा था अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो इस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट फिगर देखिए 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री का एंगल. तो पहला काम तो क्या हो गया, पहला काम हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी है, या राइट एंगल ट्राइंगल जो भी आप बोल लिए. 5.2 5.2 5.2, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है और क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि जितने भी एंगल्स होंगे सब 60 डिग्री के होंगे, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है. यहां पर आ जाइए 10 15 9, यानी स्केलन ट्राइंगल है, और स्केलन ट्राइंगल है तो सारे एंगल्स अलग अलग हो गए, तो आप मुझे ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा. मैंने आपको सेम क्वेश्चन नंबर 3 को अकॉर्डिंग टू साइड भी बता दिया और अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी बता दिया. थैंक यू.